61वां दिन अनिश्चितकालीन धरना। धरना है दिव्यांग लोगों का अपने डिमांड्स के लिए। 61 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। हमने इनसे बात करने की कोशिश करी और जानने की कोशिश करी कि क्या इनकी जो डिमांड्स हैं सरकार से वो इतनी नाजायज़ हैं कि अब तक सरकार का कोई पक्ष, प्रशासन का कोई पक्ष इनकी बात सुनने नहीं आया। गर्मी है, धूल है, मिट्टी है, इसके बावजूद पिछले 61 दिन से लगातार ये लोग धरने पर विराजमान हैं। हम बात करेंगे इस धरने के संयोजक और अध्यक्ष शमशेर सिंह राणा से और जानेंगे उनकी बात जो आपको जाननी चाहिए। 61 दिन हो गए आपको आज धरने पर, आपकी सरकार से ऐसी क्या मांगे हैं जो सरकार ना मान रही है और ना सुनने को तैयार है? हमारी मुख्य मांगे तो यही है कि हमारा 2016 अधिनियम एक्ट बना हुआ उसको पूर्ण रूप से लागू करें हरियाणा में, और ये हमारी जो हमारा बैकलॉग पड़ा हुआ 1995 से वे सभी बैकलॉग भरा जाए, सभी दिव्यांगों को नौकरी। सरकार का एक अधिनियम है जो 2016 में पारित किया गया, क्या कारण है कि आपकी मांगे फिर भी सुनी नहीं जा रही है? ये तो सरकार ने देखना है जी, हमने तो कई बार ये मांगे उठा लिया कि इसको पूर्ण रूप से लागू करे, करते ही नहीं है। और जो हमारे जो कमिश्नर साहब बैठे हैं जो चंडीगढ़, वो कह रहे हैं कि आप ये लागू हो चुका है, और अगर ये लागू हो गया तो फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ है जब दिव्यांगों के मसले जहाँ सुलझाया जा सके, और वो कमेटी कहाँ है जो विकलांगों के उनकी प्लानिंग बनाएगी भाई कैसे उनको रोजगार देना है, कैसे उनका जीवन यापन होगा, उसके बारे में अभी तक किसी भी जिले में इसकी मीटिंग नहीं। जो धरना है वो अनिश्चितकालीन चल रहा है। हम अभी तक तो 8 जिले में। अपनी मांगों को लेकर सरकार के किन किन लोगों से मिले? हम यहाँ के 5 स्थानीय MLA से मिले थे, वो भी हम प्रदर्शन करते हुए गए थे जब उनको ज्ञापन दिया था। कोई भी जिना तो यहाँ तक कोई स्थानीय MLA ना MP और ना ही अधिकारी कोई हमारे पास आया मिलने। आपके पास कोई भी आपकी मांगों के समर्थन में आपके पास नहीं आया? नहीं आया। सुनने में आया कि विपक्ष के कुछ लोग आपके पास आए थे? विपक्ष के लोग आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और BJP से सांसद अरविंद शर्मा भी आए हैं, और बीच में राज्यसभा सांसद आप पार्टी से सुशील गुप्ता जी भी हमारे पास समर्थन में आए थे और हमारा मांग पत्र ले गए थे। और तो स्थानीय में से कोई नहीं आया और ना ही ये आना चाहते हैं, जहाँ तक हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि सरकार इस बारे में गंभीरता से नहीं है कि हमारा वोट बैंक दिख नहीं रहा। अगर कोई और होता है, किसी कम्युनिटी की बात होती तो ये ज़रूर हल हो जाता, अभी तक इतनी देर बैठे भी नहीं देते। किसी और कम्युनिटी की बात होती तो यह मुद्दा अब तक हल हो जाना चाहिए था। आप इसको किसी कम्युनिटी से जोड़ने की बात कर रहे हैं, आपको कैसे लगता है कि भाई किसी कम्युनिटी की वजह से जुड़ हल हो जाता है? क्योंकि उनकी वोट बैंक दिखता है ना, उनका वोट बैंक दिखता है, हमारा वोट बैंक है ही नहीं। प्रशासन की तरफ से आप यहाँ बैठे हैं, पानी, टॉयलेट, इसकी कुछ मूलभूत सुविधाएं आपने कोई डिमांड करी थी? हाँ, की थी पर अभी तक की प्रशासन ने कोई नहीं की। 61वां दिन मूलभूत सुविधाएं, दिव्यांग शब्द तो गढ़ दिया गया लेकिन सुविधाएं देने के नाम पर प्रशासन नाकाम है। शायद वो सरकार की ओर देख रहा है कि सरकार अगर कुछ करे तो प्रशासन भी कुछ हरकत में आए। 61 दिन पूरे हो चुके हैं और इससे गुंगी बहरी सरकार और प्रशासन का रुख हमें अभी तक नहीं देखा था। प्रशासन भी हमारे पास नहीं आया है और सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया है। अब हम आज रोड जाम कर देते हैं, प्रशासन हम पे लाठीचार्ज भी करवा सकता है, पानी की बौछार भी करवा सकता है, क्योंकि ये एक विकलांग आंदोलन है। विकलांग आंदोलन अगर ये किसी कम्युनिटी का आंदोलन होता, वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को लेके आते हैं और ये सरकार भी ये देखती कि एक कम्युनिटी की बात है तो उनकी बातों को मान सकती थी, लेकिन ये सोच रही है कि ये विकलांग वर्ग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वो हम सरकार को बताना चाहते हैं, हम विकलांग जरूर है लेकिन हमारा जमीर और जज्बा हम नहीं मरा है। अब की बार हम अपना अधिकार को लेकर ही दम लेंगे, चाहे हमें 2 साल लगे या समय में हम रणनीति बना रहे हैं कि हम विकलांग आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाएं और इससे पूरे जनमानस हमारे साथ सहयोग की भावना से जुड़े। और आने वाले समय में हम अपील करेंगे कि आप हमें एक दिन एक मिनट का समय जरूर दें और विकलांग आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग करें। एक दिन एक मिनट लोगों से मांग करेंगे, आप आम जनमानस से मांग करेंगे
कि वो उन्हें अपना एक दिन और एक मिनट का समय दें, जनमानस का सहयोग मिलेगा तो प्रशासन भी झुकेगा। और 61 दिन विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग, प्रशासन से मूलभूत सुविधाएं, धरने के लिए जगह, पानी और टॉयलेट की मांग, जिस पर भी प्रशासन ने भी कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में आवाज़ उठाने की बात कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता भी सरकार आने पर हल निकालने की बात करते हैं। सांसद अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री के सामने बात को रखने की करते हैं, लेकिन हल की तरफ कोई नहीं जाता। स्थानीय नेता विधायक प्रमोद विज के पास जब अपनी मांगों को लेकर जाते हैं तो नारेबाजी से प्रमोद विज नाराज हो जाते हैं और मांगे सुनने से इनकार करते हैं। आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? प्रधानमंत्री मोदी ने विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द तो दे दिया, लेकिन सरकार जो मोदी के समर्थन से बनी थी उसको सहानुभूति देना भूल गए। ये भूल गए कि दया नहीं, इन्हें अपना हक चाहिए। अपने सहयोगी शमशेर सिंह के साथ मैं राम गोपाल शर्मा।